नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूहों की सराहना की। सरकार ने स्पष्ट किया, गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या की जानकारी देना अनिवार्य नहीं। केंद्र ने 17 राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गांवों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, उनकी पार्टी का जनता दल यू के साथ गठबंधन बरकरार। अफगानिस्तान में तालिबान हमले में 19 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने नॉटिंघम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के सामने 269 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की सराहना की है। विभिन्न स्व सहायता समूहों से जुड़ी देशभर की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें अपनी क्षमता, योग्यता और कुशलता समझने का मौका दिया जाए। श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं विशेष रूप से कृषि और डेयरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में काम कर रही हैं। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेगी। कोई कल्पना कर सकता है खेती का कितना बड़ा काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। पशुपालन तो एक प्रकार से 100% आज देश में जो दूध उत्पादन होता है हमारी माताओं बहनों का योगदान है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2014 के बाद से प्राथमिकता के आधार पर 20 लाख स्व सहायता समूह बनाए हैं और 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा परिवार इन समूहों से जुड़े हुए हैं। संवाद के दौरान महिलाओं ने अपनी प्रेरक और भावपूर्ण कहानियां सुनाई। मध्य प्रदेश की सुधा बघेल ने बताया कि स्व सहायता समूहों ने उनका जीवन सुधारने में मदद की है। पहले मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मिशन में जुड़ने से मैंने बकरी पालन और चूड़ी निर्माण और मेरी जमीन जो सूची थी उसको मैंने सूचित करवाई। उससे मेरी मासिक आय 12 से 13 हजार होने लगी। वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना से पश्चिम बंगाल में करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। ये योजना केंद्र सरकार ने 2014 में शुरू की थी और इसका उद्देश्य समाज के दुर्बल और कम आय वाले समूहों को बचत बैंक खाते के जरिए ऋण, बीमा, पेंशन और पैसा भेजने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका वित्तीय समावेशन करना है। योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में इस साल जून तक 3 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना का फायदा उठा चुके हैं। हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। महिलाओं को वित्तीय समावेशी योजना से सबसे अधिक फायदा हुआ है। राज्य में 1,57,00,000 महिला खाताधारी हैं। योजना की सफलता में वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे ज्यादातर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। भूटान की सीमा से लगे खूबसूरत जिले जलपाईगुड़ी में रहने वाली एक गृहिणी दीपानिता दास गुप्ता का कहना है कि जनधन खाता खोलने के बाद वे और अधिक पैसे की बचत कर पाई हैं। जनधन योजना के अंदर ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसीलिए खुला है मैंने। कभी पैसा नहीं भी रहता है तो चार्जेस कटने की आशंका नहीं होती है उसमें, तो ये इसमें सुविधा है। ये योजना कारोबारियों और युवा उद्यमियों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुई है। जलपाईगुड़ी में रहने वाले एक और लाभान्वित हैं सुब्रत घोराई, जो पेशे से एक कारोबारी हैं। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के श्रमिकों के लिए जनधन बैंक खाते खुलवाए। इस योजना के जरिए वे इन श्रमिकों के लिए बीमे की व्यवस्था कर पाए हैं। हमारा फैक्ट्री में हैवी मशीनरी से काम होता है, यहाँ किसी भी दुर्घटना होने का चांसेस ज्यादा है, तो ये जनधन योजना वाला जो खाता है इसके साथ आपका ये जन बीमा योजना सरकारी जो स्कीम है ये लागू हो जाता है इसमें। जनधन योजना राज्य में करोड़ों लोगों तक बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकी है। ये योजना बचत की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से सुमित्रा मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनक लता। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने वाली आयुष्मान भारत योजना के तहत आधार संख्या की जानकारी देना वांछनीय तो है लेकिन अनिवार्य नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पुष्टि की है कि सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को ये सेवा प्रदान करेगी, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं। इस योजना का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा लाभ देना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। मंत्रालय ने इस खबर को गलत बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अपनी महान धरोहर को विश्व के सामने गर्व और विश्वास के साथ प्रदर्शित करना चाहिए। वे आज नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए मुख्यालय धरोहर भवन का उद्घाटन कर रहे थे। श्री मोदी ने देश के वास्तुशिल्प की धरोहर के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि अपनी धरोहर पर गर्व करना समाज का दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि पुरातत्व से संबंधित प्रत्येक कागज और पत्थर की अपनी अलग कहानी होती है। ये पुराने शिलालेख या कुछ पुरानी चीजें या कुछ पत्थर, ये निर्जीव दुनिया नहीं है जी। यहाँ का हर पत्थर बोलता है। पुरातत्व से जुड़ी हुई हर कागज की अपनी एक कहानी होती है। पुरातत्व से निकले हुए हर चीज में मानव के पुरुषार्थ की, पराक्रम की, सपनों की एक बहुत बड़ा शिलालेख अंतस्फुरित होता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। माशा जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज करना तो जरूर मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आसिंग के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बच। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं और देश की बहुमूल्य संपत्ति की तरह हैं। सीमाओं की रक्षा में इनकी अहम भूमिका है। गृहमंत्री ने आज नई दिल्ली में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लागू करने वाले क्षेत्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 17 राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए 2017-18 में 1100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि एनडीए जनता दल यू गठबंधन बरकरार है और इसके खिलाफ विपक्ष की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। आज पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि विपक्ष बिहार में एनडीए गठबंधन में दरार होने की अफवाह फैला रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि एनडीए 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस बयान को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2019 के आम चुनावों में भाजपा फिर से जीतती है तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस तरह की बातें स्वस्थ राजनीति की परिचायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। श्री पात्रा ने कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान और राष्ट्रीय संस्थाओं पर सिलसिलेवार हमला कर राष्ट्र के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान से करें? अरे पाकिस्तान तो आतंक को बढ़ावा देता है और ऐसे में आप कह रहे कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारतवर्ष? ये हिम्मत केवल कांग्रेस के लीडरानों में है जो बार बार अपनी तुच्छ राजनीति के कारण भारतवर्ष को नीचा दिखाने का काम करते हैं। श्री शशि थरूर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि असल में तो कांग्रेस ने देश के संविधान से छेड़छाड़ की है और नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन किया है। 66A कानून यूपीए लेकर आई और उस पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, जो संविधान ने गारंटी करावा है, उसके बावजूद लोगों को जेल में डाला जा रहा था क्योंकि फेसबुक पोस्ट के ऊपर वो सरकार के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे। ये सब कांग्रेस के समय हुआ है। हमारे लिए संविधान सबसे महत्वपूर्ण है और इस देश की प्रगति के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस देश को मजबूत करते रहेंगे। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ शशि थरूर की टिप्पणी से अपने आप को अलग कर लिया है। सरकार ने करों से जुड़े मामलों में अपील दायर करने की सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज बताया कि ऐसा मुकदमों की संख्या घटाकर 41% करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि कर विभाग अब ITAT और CESTAT मामलों में तभी अपील दायर कर सकेगा जब कर की राशि 20 लाख रुपए या उससे अधिक हो। अभी यह सीमा 10 लाख रुपए की है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जिस रफ्तार से देश प्रगति कर रहा है उसे देखते हुए भारत के बहुत जल्द विश्व की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाने की संभावना है। भारत ने अभी हाल ही में फ्रांस को पछाड़कर विश्व की छठी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति का दर्जा हासिल किया है। मुंबई में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 37वें स्थापना दिवस सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि गरीबी उन्मूलन और देश के विकास में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। जरा ठहर तो मच्छर, हम तुझे पैदा ही नहीं होने देंगे। क्या मतलब? पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे, घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे, मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे, हम मच्छरदानी में सोएंगे, हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान में उत्तरी प्रांत कुंदूज और पश्चिमी प्रांत फराह में आज तालिबान के दो अलग अलग हमलों में कम से कम 19 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सेना के प्रवक्ता के अनुसार तालिबान आतंकियों ने कुंदूज प्रांत के दश्ते अर्क जिले में सेना की एक चौकी पर गोले दागकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद 4 घंटे तक गोलीबारी होती रही। उधर फराह प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता ने बताया कि तालिबान ने एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया। हालांकि अब तक तालिबान ने दोनों में से किसी भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आध्यात्मिक गुरु और साधु वासवानी मिशन के प्रमुख दादा जेपी वासवानी का आज पुणे में निधन हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। दूरदर्शन के पूर्व उप महानिदेशक तेजिंदर सिंह गगन का कल रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। इंग्लैंड ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत को जीत के लिए 269 रन का लक्ष्य दिया है। नॉटिंगहम में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में एक गेंद शेष रहते 268 रन पर ही सिमट गई। कुलदीप यादव ने शानदार 6 विकेट लिए, उमेश यादव ने 2 और युजवेंद्र चहल ने 1 विकेट लिया। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में एंजेलिक कर्बर का मुकाबला सेरेना विलियम्स से होगा। आज पहले सेमीफाइनल में 11वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी की कर्बर ने 12वीं वरीयता प्राप्त लात्विया की येलेना ऑस्टापेंको को, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अमरीका की सेरेना ने 13वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी की जूलिया जॉर्ज को हराया। पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पीवी प्री क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने हांगकांग की यिप पुई यिन को हराया। अब टूर्नामेंट में सिंधु एकमात्र भारतीय चुनौती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 282 अंक बढ़कर 36,548 के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 75 अंक बढ़कर 11,023 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत होकर 68.57 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तीर्थयात्रियों का 7वां जत्था पिछले 5 दिन से पिथौरागढ़ में रुका हुआ है, जबकि 3रा और 4था जत्था गुंजी में रुका है। इन जत्थों में 115 लोग शामिल हैं। कर्नाटक के अनेक हिस्सों में हो रही भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अनेक नदियों में बाढ़ आ गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि दक्षिणी जिलों में सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज रेलवे स्टेशनों को सुंदर बनाने के अभियान में भाग लेने वाले स्थानीय कलाकारों को सम्मानित किया। स्वच्छता को कला से जोड़कर स्टेशनों की दीवारों को पेंटिंग और स्थानीय कलाकृतियों से सजाने की इस प्रतियोगिता का आयोजन पिछले साल दिसंबर में किया गया था। 10 लाख रुपए का पहला पुरस्कार बल्लाड़ शाह और चंद्रपुर स्टेशनों को संयुक्त रूप से दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूहों की सराहना की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।
केंद्र ने 17 राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गांवों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी का जनता दल यू के साथ गठबंधन बरकरार है। अफगानिस्तान में तालिबान हमले में 19 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने नॉटिंगहम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के सामने जीत के लिए 269 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।